नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार ऑनलाइन एफआईआर के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे एक अपडेट जारी किया गया है कि बिहार के जितने भी थाने हैं उसमें आप जहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर कर पाइएगा या फिर जितने भी थाने में आप लोगों का एफआईआर पड़ा हुआ है वो सब जो है आप लोगों का डाटा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन आप घर बैठे जो है किसी भी एफआईआर के बारे में जान सकते हैं। उसका जो एफआईआर कॉपी होता है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आप लोगों का जो है ऑनलाइन एफआईआर का यहाँ पे सुविधा जो है उसको यहाँ पे शुरू नहीं किया गया है, यानी कि अभी आप घर बैठे जो यहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है आप किसी भी थाने के जो एफआईआर कॉपी होता है उसको आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। यहाँ पे बिहार पुलिस की तरफ से आप लोग का जो है एक ऑफिशियल यहाँ पे जो है वेबसाइट जारी कर दिया गया जिस पे कि आप लोग का सभी थानों का, बिहार के जितने भी थाने हैं, बिहार के सभी जिले के सभी थाने का जो है यहाँ पे आप लोग का डाटा अपडेट कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी थाने में के एफआईआर का कॉपी जो होता है उसको आप ऑनलाइन यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। अब ये किस तरीके से आप लोग का यहाँ पे वेबसाइट जारी किया गया, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो कॉपी डाउनलोड करना है, सब कुछ मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जल्द ही दोस्तों यहाँ पे बिहार पुलिस की तरफ से आप लोग का यहाँ पे सुविधा एक लॉन्च किया जाएगा जिसमें कि आप घर बैठे जो एफआईआर कंप्लेंट होता है वो आप यहां पे ऑनलाइन रजिस्टर कर पाएगा। लेकिन अभी जो है वो यहां पे सुविधा लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन यहां पे इस सुविधा को लॉन्च कर दिया गया है कि अगर पहले से एफआईआर यहां पे दर्ज है तो उसका कॉपी आप यहां पे देख सकते हैं, उसको आप यहां पे देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रक्रिया यहां पे दिखाने वाला हूं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। बिहार के किसी भी थाने की ऑनलाइन एफआईआर कॉपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको जो है इस वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या, थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को जो है लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे बिहार पुलिस एफआईआर कॉपी डाउनलोड 2022, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वो ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जो इस पोस्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर सर्च FIR, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल नया वेबसाइट आप लोगों का बनाया गया है जो कि आप लोगों का बिहार पुलिस की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का जिला पड़ता है वो जिला आप लोग को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो पुलिस स्टेशन होगा वो आप लोग को वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी पुलिस स्टेशन आप लोगों का पड़ता है वो आप लोग को वहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप जो कंप्लेंट नेम से या फिर FIR नंबर होता है या फिर एक्यूज नेम जो होता है इनमें से किसी से भी आप जहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे जो है कुछ से भी सर्च नहीं करना है। यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना है तो टोटल आप लोगों का जितना भी उस थाना में यहाँ पे FIR होगा जो कि ऑनलाइन आप लोगों का अपडेट कर दिया गया है, सभी FIR का जो कॉपी है वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो कर देगा, पूरा लिस्ट जो यहाँ पे एक साथ यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपको FIR नंबर याद है तो ऐसे में आप जो FIR नंबर डालकर भी जो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आप लोगों का जो है पूरा यहाँ पे डिटेल शो कर दिया है, यहाँ पे कंप्लेंट दिखा दे रहा है, यहाँ पे एड्रेस आप लोगों का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेक्शन आप लोगों का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप जो स्टेटस भी देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे आप लोगों का स्टेटस है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे शो कर देगा। जितना भी आप लोगों का कंप्लेंट रहेगा, जितना भी आप लोगों का FIR दर्ज हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों का शो कर देगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का शो करेगा, आपको जो थोड़ा सा साइड करना है। यहाँ पे साइड होने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों का जो FIR का कॉपी होगा वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आप लोगों का FIR रहेगा वो उसको आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे उस पर क्लिक करना है तो आप लोगों का जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर देगा और आप लोगों का जो FIR का कॉपी होगा वो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अभी फिलहाल देख पाएंगे कि उसका जो यहाँ पे FIR कॉपी है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन अलग अलग FIR का जो कॉपी होता है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे FIR कॉपी डाउनलोड कर पाइएगा। बिहार के किसी भी जिले से आप आते हैं तो यहाँ पे आप जो FIR कॉपी है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।